हेलो गाइस वेलकम टू एपेक्स स्टडी स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में तो दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा सहायक ग्रेड तीन के अंतर्गत जो है आज हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास जो है देखने वाले हैं इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास केवल प्राचीन इतिहास पे जो एम सी देखे थे और आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का जो है एम देखेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने छत्तीसगढ़ में सोम वंश अथवा पांडु वंश का प्रथम शासक किससे माना जाता है तो किससे माना जाता है उदयन को जो है दोस्तों इस वंश का प्रथम शासक माना जाता है ठीक है ना इंद्रबल ने इस वंश की स्थापना की थी और अपने पिता उदयन को जो है शासक बनाया था चलिए दूसरा प्रश्न है रानी वास्टा द्वारा बनवाया गया सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किस देवता का है ठीक है रानी वसाटा द्वारा बनाया गया सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किस देवता का है तो किस देवता का है विष्णु भगवान का है ठीक है ना विष्णु की मूर्ति वहां पे स्थापित की गई है अगला प्रश्न आता है दोस्तों पांडु वंश के महान शासक महाशिवगुप्त बाला अर्जुन की माता का क्या नाम था तो क्या नाम था इनकी माता जी का रानी वसाटा ठीक है रानी वसाटा जो है इनकी माता का नाम था चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्राचीन काल में दक्षिण कौशल में वंश के किस महान शासक का शासनकाल स्वर्ण काल कहलाया ठीक है ना तो किनका जो है शासनकाल स्वर्ण काल कहलाया तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का जो है स्वर्ण काल शासनकाल कहलाया चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मैकल मैकल के वंश की राजधानी क्या थी तो क्या थी दोस्तों मैकल के वंश की राजधानी अमरकंटक जो है इनकी राजधानी थी चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने सिरपुर में तीन महीने बिताए थे यह प्रमाण किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है तो किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है अवधान शतक में जो है इस बात को प्रमाणित किया गया है कि गौतम बुद्ध जो है सिरपुर आए थे और तीन महीने जो है यहाँ पे रहे थे अगला प्रश्न आता है दोस्तों गौतम बुद्ध के किस शिष्य ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार तथा आनंद कुटीर विहार का निर्माण करवाया ठीक है तो किसने करवाया था आनंद ने जो है इसका निर्माण करवाया था काफी आसान सा उत्तर है आसानी से याद हो जाएगा अगला प्रश्न है दोस्तों चीनी यात्री हेन सांग ने सिरपुर की यात्रा कब की ठीक है तो कब की छह ईस्वी में ठीक है 639 थर्टी ईस्वी में जो है छे ईस्वी में इन्होंने सिरपुर की यात्रा की थी काफी महत्वपूर्ण है बहुत बार पूछता है प्रश्न अगला प्रश्न आता है आपका छिंदक नागवंशियों की प्रमुख राजधानियों में से एक कोरापुट किस राज्य में स्थित था ठीक है तो किस राज्य में था ये उड़ीसा राज्य में जो है दोस्तों कोरापुट स्थित था चलिए नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है राजीव स्थित राजीव लोचन मंदिर किस शैली में निर्मित है तो राजीव लोचन मंदिर किस शैली में निर्मित है दोस्तों तो ये है आपके गुप्त शैली में चलिए अगला प्रश्न है बस्तर में नए युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो किसे माना जाता है विलास तुंग का जो कि नलवंश का शासक था प्रसिद्ध शासक था इनको जो है बस्तर में नए युग का प्रवर्तक माना जाता है देखिए इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको नए नए प्रश्न मिले ठीक है ना कुछ बच्चे कह रहे थे सर कठिन प्रश्न दीजिए थोड़ा सा बहुत सरल है देखिए पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सहायक ग्रेड तीन में जो प्रश्न आने वाले हैं वो सरल आएंगे ठीक है आयोग जो लेता है आप व्यापम लेता है आयोग लेता है इसमें जो है थोड़ा बहुत टफ देखने को मिल जाता है लेकिन विधानसभा में जो है आपको काफ़ी सरल प्रश्न देखने को मिलेंगे ठीक है पचास तो प्रश्न ही है तो सरल रहेंगे सीधे प्रश्न रहेंगे सरल रहेंगे फिर भी मैंने कोशिश किया कि कुछ नए प्रश्न जो है निकाला जाए ठीक है ना तो इस हिसाब से आप लोग को इसमें का दो प्रश्न जो है कुछ प्रश्न आपको नए देखने मिल सकते हैं चलिए अगला देखते हैं नल वंश का प्रसिद्ध शासक पांडु वंश के किस महान शासक के समकालीन था ठीक है नल वंश का जो प्रसिद्ध शासक विलास तुंग था वो इसी राज्य में वंश के किस महान शासक के समकालीन था ये प्रश्न है दोस्तों तो ये कौन था महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ठीक है महाशिवगुप्त बाला अर्जुन जो है वो वंश का ऐसा शासक था जो विलासतुंग विलासतुंग जो पांडुवंश के समकक्ष था ठीक है चलिए अगला प्रश्न आपके सामने नल वंश का वा, वास्तविक संस्थापक कौन था तो कौन था वयागराज जो है ये नल वंश का वास्तविक संस्थापक था इसका जो शासन अवधि था दोस्तों 330 से लेकर 370 सौ सत्तर ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था चलिए अगला प्रश्न है किस अभिलेख में सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न जीत द्वारा सोने के पानी चढ़े सिक्के को जारी करने का प्रमाण मिलता है ठीक है तो ऐसा कौन सा भी लेख है जिसमें यह बताया गया है कि शरदपुरी वंश के राजा जो प्रसन्न जीत था उसने चांदी के न क्या किया था चांदी के सिक्के पे सोने के पानी चढ़ा के जो है जनता में जारी करवा दिया था ठीक है ना खुश करने के लिए जनता को है ना तो ऐसा कौन से अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है तो मिलती है आपके ठाकुरिया के अभिलेख में जो है इस बात की जानकारी मिलती है अभिलेख जो है शिलालेख है पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल रखा है उसको जरूर आप देखिए ठीक है चलिए अगला प्रश्न है महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के समय भारतवर्ष में कौन कौन अन्य समकालीन राजा थे ठीक है देखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन यहाँ पे काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ना काफी प्रतापी राजा था तो इसके समकालीन उस वक्त जो है भारत में जो है अन्य कौन कौन तो ये थे दोस्तों हर्षवर्धन वर्धन वंश का था ठीक है पुलिकेशन द्वितीय था किस वंश का चालुक्य वंश का था नरसिंह वर्मन प्रथम जो था वो पल्लव वंश का था ठीक है तो यहाँ छत्तीसगढ़ में थे प्रतापी राजा और इनके समकक्ष जो बड़े राजा थे भारत में वो हर्षवर्धन पुलिकेशन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे इसके समकालीन थे चलिए अगला प्रश्न आता है महत्वपूर्ण लाहौरी शाखा छत्तीसगढ़ में किस राजवंश से संबंधित है तो किस राजवंश से है रायपुर के कलचुरी वंश को जो है लाहौरी शाखा के नाम से भी जाना जाता है चलिए अगला प्रश्न है किस कलचुरी नरेश ने रायपुर शहर की स्थापना की तो किसने की ब्रह्मदेव राय ने जो है जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया तो किन्ने करवाया था बिंबाजी भोसले ने जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया था जब इन्होंने जो है रतनपुर और रायपुर को एकीकृत कर दिया उसके बाद जब इन्होंने इसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पे दूधाधारी मठ का जो है जीर्णोद्धार करवाया था ठीक है ना और राम टेकरी मंदिर वगैरह बनवाया था वहाँ पे सब रतनपुर में चलिए अगला प्रश्न है रायपुर शाखा के अंतिम कल्चुरी शासक कौन थे ठीक है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है तो कौन थे अमर सिंह जो है वो रायपुर शाखा के अंतिम कल्चुरी शासक थे इनका जो शासनकाल सत्रह सो से सत्रह तक रहा था ठीक है और इसके बाद जो है बिंबाजी भोसले ने यहाँ शासन चालू कर दिया था अगला प्रश्न है दोस्तों रायपुर शाखा के अंतिम शासक अमर सिंह ने मराठों की आधीनता कब स्वीकार अथवा किस संधि से स्वीकार की ठीक है ना जो अंतिम शासक थे अमर सिंह उन्होंने मराठों की अधीनता कब स्वीकार की या कह सकते कौन सी संधि से की तो कौन सी संधि थी 1750 की संधि थी ठीक है ना देखिए कार्यकाल सत्रह तक रहा है 1750 में अधीनता स्वीकार कर ली और उसके बाद तीन साल जो है उनके अधीन रहकर शासन किए थे इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न कलचुरियों के मंत्री परिषद अथवा सभा में कुल कितने मंत्री होते थे ठीक है जो कलचुरी वंश था या शासन जो चलता था कलचुरियों का उनकी मंत्री परिषद या सभा में कितने मंत्री होते थे तो कितने मंत्री होते थे कुल आठ मंत्री जो है इनकी सभा में होते थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कलचुरी शासन काल में मंत्री परिषद अथवा सभा का प्रमुख कहलाता था तो क्या कहलाता था आमात्य कहलाता था ठीक है आज की डेट में इन्हीं को प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं ठीक है थीके? तो आमात्य कहलाता था चलिए अगला प्रश्न है कल्चुरी शासन काल में तौल की इकाई क्या थी तो क्या थी माप तौल की इकाई किसमें आराम से याद हो जाएगा मना या फिर मन होते हैं ना मन है या मना ठीक है ये दोनों ही शब्द सही उत्तर है ठीक है तो आपके प्रश्न में मना आता है तो भी सही है मन आता है तो भी सही है तो इसमें जो है ये जो है इकाई थी जिसमें मापतोल किया जाता था चलिए अगला प्रश्न है और लेन देन किस में करते थे विनिमय वगैरह कौड़ी में करते थे ठीक है जैसे आज के डेट में हम पैसे में करते हैं ना सिक्कों में रुपए में करते हैं किसी चीज को खरीदते हैं तो वो लोग कौड़ियों में करते थे चलिए अगला प्रश्न है कलचुरी शासकों की कुल देवी क्या थी तो क्या थी इनकी कुल देवी गज लक्ष्मी जो है दोस्तों इनकी कुल देवी थी ठीक है ना गज लक्ष्मी इसके बाद जो है दोस्तों आखिरी प्रश्न है आपके छत्तीसगढ़ में सुबह शासन व्यवस्था कब से कब तक रही ठीक है काफी महत्वपूर्ण है सुबह शासन व्यवस्था इसके बारे में जो है मैंने जो है मराठा शासन करके जो है वीडियो बना रखा है बहुत महत्वपूर्ण है हर एग्जाम में छत्तीसगढ़ के आपको मराठा प्रशासन से जो है निश्चित रूप से प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं आप कोई भी उठा के देख लीजिए अभी जो भी प्रश्न एग्जाम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के उसमें मराठा वाले क्षेत्र से बिल्कुल पूछता ही पूछता है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए अच्छे से एक्सप्लेन किया, किया हुआ वीडियो है ठीक ना थ्योरी वाला वीडियो है उसमें शासन व्यवस्था सुबह शासन पद्धति विम्बा जी का पूरा इतिहास मराठों का जो भी किस तरह से मराठे छत्तीसगढ़ में आए किस तरह से यहाँ रहे किस तरह से जो है इनका पतन हुआ सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे से समझाई गई है बाकायदा ट्रिक के साथ चलिए तो कब से कब था इनका शासनकाल सत्रह सौ से 1818 तक जो है दोस्तों शुभा शासन व्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ में रही और इस समय जो है काफ़ी दुर्गति हुई है ना काफ़ी दुर्गति हुई छत्तीसगढ़ में काफ़ी लूटा गया छत्तीसगढ़ को इस शासन व्यवस्था में कैसे लूटा गया इसको जानना है तो आप जाके प्लीज़ वीडियो को देखिए और समझिए छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत सुबह शासन व्यवस्था तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्राचीन और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत एम जो कि आपके प्राचीन थोड़े बहुत मध्य और जो है आपके आधुनिक इतिहास से लिया जा रहा है अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा दोस्तों टोटल जो है आधुनिक इतिहास पे ही वीडियो बेस करके बनाया जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये ठीक है तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा ठीक है अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ जो इस पर डिस्कस भी जरूर कीजिएगा ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट